बेटा विश्वास। हाँ जी सर। हमें आज एक नॉलेज चाहिए थी आपसे। आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जो PDF फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स या फोटो मीडिया जो भी पड़ा हुआ है उसको क्या करना है, अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या करोगे? देखिए सर, आप अपने फ़ोन से अगर आप अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं या सिस्टम से फ़ोन में डालना चाहते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी USB केबल को अपने फ़ोन से और लैपटॉप या फिर जो आपके पास सिस्टम है उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। देखिए सर, इस टाइप से कनेक्ट करेंगे, फिर आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको देखेंगे और यहाँ पे आप इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र जो जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे इसको। ओके ओके। ये बस आप इसको अब आराम से इसको रख सकते अच्छा, हैं। अब आपका फ़ोन इसमें पेयर हो चुका है। जी हाँ सर, पेयर हो चुका है इसमें है। और फिर क्या करेंगे, जैसे आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाएंगे, दिस PC का जो ऑप्शन है इसमें, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया है। फिर आप अपने कंप्यूटर के किसी भी ऑप्शन में जाएंगे जहाँ भी आपकी वो फ़ाइल है, जैसे कि आपकी फ़ाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ाइल जो है, ये PDF, इसको जो है अपने फ़ोन में डालना है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ओके ओके। राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। ये कॉपी किया, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेरा फ़ोन कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है OnePlus A60 10। ओके ओके। इस फ़ोन में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे, फिर आप जिस भी फोल्डर में इसको कॉपी करना चाहते हैं उस फोल्डर पर क्लिक करके आप इसको वहाँ पर कॉपी कर देंगे। जैसे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करना है, ठीक है, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया, यहाँ पर जाके मैं राइट क्लिक करूँगा और ये पेस्ट का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसको पेस्ट करेंगे और देखिए आपकी PDF फाइल यहाँ पे आ चुकी है। यस सर, ये देखिए आपकी PDF फाइल यहाँ पे।